पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए उसकी की फंक्शनिंग पढ़ने के बाद में अब हम बात करते हैं स्पंदमान धारा जो यानी कि जो आउटपुट जो वोल्टेज या करंट जो हमारे को प्राप्त होती है वह समय के साथ नियत नहीं है, अर्थात समय के साथ उसमें परिवर्तन होता है। तो समय के साथ परिवर्तन होता है तो अब हम उसका क्या बात करना चाहते हैं, एवरेज मान ज्ञात करना चाहते हैं, अर्थात औसत मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान, तो हम यहाँ पर आई डी सी इक्वल टू वन अपॉन टी जीरो से लेकर टी आई डी टी, क्योंकि यह विधि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए। तो यहाँ पर वन अपॉन टी यानी कि कंप्लीट समय के लिए यानी कि जीरो से टी समय के लिए हम धारा का योग कर देते हैं और उसमें समय का भाग दे देते हैं तो हमारे को औसत मान प्राप्त होता है। अब देखिए इसी इंटीग्रेशन को हम 1 अपॉन टी जीरो से लेकर टी बाई टू आई वन डी टी प्लस टी बाई टू टू टी आई टू डी टी के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास धारा के दो मान प्राप्त होते हैं आई वन और आई टू। आधे समय के लिए I1 मान प्राप्त होता है तो I2 जीरो होता है, शेष आधे समय के लिए I1 का मान जीरो है और I2 का मान प्राप्त होता है। तो अब इनमें वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन t जीरो टू t बाई टी आई एम साइन ओमेगा t डी टी माइनस t बाई टू टू t आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ पर माइनस साइन क्योंकि आई टू का मान कितना था, आई वन का मान था आई एम साइन ओमेगा टी, यानी कि जीरो से टी बाई टू समय के लिए आई वन इक्वल टू ये था, आई टू इक्वल टू मान जीरो था। अब आई वन इक्वल टू टी बाई टू से टी के लिए आई वन जीरो और आई टू है माइनस आई एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर माइनस साइन आता है टी बाई टू से लेकर टी तक माइनस आई एम साइन ओमेगा टी प्राप्त होता है। अब हमारे को केवल इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो वन अपॉन टी आई आई एम बाहर निकाल देता हूँ, साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी जीरो टू टी बाई टी और यहाँ पर ओमेगा साथ में इसमें ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आई एम ऑलरेडी मैंने बाहर ले लिया है, आई एम ऑलरेडी बाहर ले लिया है, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस ओमेगा टी सॉरी टी बाई टू से लेकर टी तक, ये लिमिट हमारे को पहले इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी जिसका रिजल्ट इंटीग्रेशन में प्राप्त हुआ जीरो से टी बाई टू तक लिमिट है, दूसरे का माइनस कोस ओमेगा टी प्राप्त होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो टी बाई टू से लेकर टी तक इसकी लिमिट रखनी है। आई अपॉन में ओमेगा आता है वो अपॉन में ओमेगा ओमेगा इधर लिख दिया, आई एम हमने कॉमन ले लिया। तो अब यदि हम इसका मान प्राप्त करते हैं तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे को टू आई एम अपॉन पाई का मान प्राप्त होता है, यानी कि आई डी सी इक्वल टू क्या मान प्राप्त होता है, टू आई एम अपॉन पाई, यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए आई डी सी हमारे को आई एम अपॉन पाई प्राप्त हुआ था, अब उसका दुगुना टू आई एम अपॉन पाई प्राप्त होता है। और ये सही बात है क्योंकि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल आधी तरंग उपयोग में आती थी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो है उसमें कंप्लीट तरंग यानी कि पूर्ण तरंग प्रयोग में आती है, इसलिए दृष्ट औसत मान भी डबल हो गया। तो आई एम अपॉन पाई का डबल कितना हो गया, टू आई एम अपॉन पाई। तो 2im अपॉन पाई जो मान प्राप्त हो गया, im का मान हमारे को पता है कितना है, 2 अपॉन पाई, im का मान था em अपॉन r प्लस rl। अब idc इक्वल टू यानी कि धारा का औसत मान प्राप्त हो गया 2em अपॉन पाई आर प्लस आर एल, यानी कि धारा का औसत मान हमारे को ये प्राप्त होता है। और ई डी सी यानी कि वोल्टता का
औसत मान कितना प्राप्त होगा, आई डी सी इंटू आर एल, तो क्या आ जाएगा 2 EM अपॉन पाई आर प्लस आर एल इंटू आर एल। यह मान ई डी सी का यानी कि धारा का औसत मान आई डी सी इक्वल टू 2 IM अपॉन पाई प्राप्त होता है, इसे हम लिख सकते हैं 2 EM अपॉन पाई आर प्लस आर एल, और वोल्टता का जो औसत मान है वो हमारे को प्राप्त होता है आई डी सी इंटू आर एल, और आई डी सी का मान कितना था 2 IM अपॉन पाई, और IM का मान है EM अपॉन आर प्लस आर एल। तो इस प्रकार से जो निर्गत जो धारा है इसको स्पंदमान धारा कहते हैं, क्योंकि जो निर्गत धारा है वह एक दिशा में अवश्य है लेकिन समय के सापेक्ष उसका मान नियत नहीं है, इसलिए उस धारा को हम क्या कहते हैं, स्पंदमान धारा या स्पंदमान वोल्टता कहते हैं। उस स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान, धारा का मान 2 EM अपॉन पाई आर प्लस आर एल या फिर 2 IM अपॉन पाई प्राप्त होता है, और दिष्ट वोल्टता जो थी उसका औसत मान 2 EM अपॉन पाई आर प्लस आर एल इंटू आर एल प्राप्त होता है।